हेलो एवरीबॉडी, और आज के दिन हम लोग आए हैं लवी का एडमिशन कराने। एंड अभी मैं दिखाता हूँ, तो ये है आचार्य कुलम। देख सकते हैं आप लोग, मेरे हाथ में बैग है तो थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है। बाकी देख सकते हैं आचार्य कुलम है, और यहाँ पर अभी एंट्री करा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड हूँ। मज़ा आएगा आपको? आपको छोड़ रहे हैं हम लोग। मुझे तो वही मजा आएगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी घूमेंगे तो गाइस आपको भी दिखाएंगे। हम लोग अभी घूमने वाले हैं। वेल, मेरा प्लान तो ये है कि मैं इसको यहाँ पे बिठा दूंगा और फिर मैं जाऊँगा आगे, और पीछे ग्राउंड वगैरह होगा तो वहाँ जाके खेल लूँगा, जिससे ही मैं मजा कर सकूँगा। जो मैं बास्केटबॉल का सोच रखा हूँ, बट लेट्स सी। हेलो एवरीवन, और आज के दिन हम लोग आ रखे हैं लवी का एडमिशन कराने आचार्य कुलम में। देख सकते हैं आप लोग कितना मैसिवनेस, देखो यार इसको। ओ माय गॉड, अभी कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आप दुखी तो नहीं हो गए कि आप हम सबसे अलग जा रहे हो? नहीं। क्यों? मजे तो आएंगे ना यहाँ, वैसे भी पूरे दिन पर तो बिजी होंगी, तो यहाँ पर याद आने वाली है। चलो देखते हैं। तो गाइस बेसिकली मेरा यहाँ पे कुछ खास प्लान नहीं है, बस मेरा यही प्लान है हम लोग, मैं इसको एडमिशन के लिए बिठा दूंगा, पापा मम्मा बैठे रहेंगे, और मैं यहाँ पे जो ग्राउंड वगैरह है वो अगर खेलने की परमिशन हो तो खेल लूँगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर नहीं है तो मम्मा यार आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी जा रही है? जा रही है, एक तरफ खुशी भी हो रही है, एक तरफ थोड़ा सैड फील कर रही है। मेरे से पूछो गाइस, मेरी बहन जा रही है, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं, अभी तो मैं थोड़ा खुशी हो रखा हूँ, बट यू नो घर में हम लोग बहुत मज़ा करते थे, और अब पता नहीं मैं शायद उदास होऊंगा। ये देखो, चलो अंदर आ चुके हम लोग। हाय साहब, फॉर्म भरना पड़ रहा है अभी, और बाकी यहाँ बॉयज का है, वहाँ गर्ल्स का है। गाइस बेसिकली यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि एकदम नया सेशन अभी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एक क्लास फिफ्थ से ही स्टार्ट होता है, एंड लाइक एकदम न्यू सेशन है, इसमें सब के सब नए नए बच्चे ही आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे आ रखे हैं। एंड मैं क्राउड दिखा देता हूँ, एंड लाइक हाँ बस बैठने की भी जगह नहीं है। ये देखो हमारा लगेज, हमने यही रख दिया है। एंड ये देखो लोग हैं अभी, बाकी लोग नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए गए हुए हैं। पता है यहाँ पर ना सिक्किम की एक लड़की और लड़के भी आ रखे हैं, तो आपको क्या करना है उसका? तो सिक्किम की आ रखे हैं, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। क्या करो यार सिक्किम की लड़की से? क्यों देख रही हूँ? क्यों देख रहे हो आप? क्यों मैं देख नहीं सकती? नहीं, सिक्किम की लड़की आ रखे उत्तराखंड। अभी हमें बुला लिया है नीचे, तो हम जा रहे हैं, लेट्स सी क्या है नीचे। गाइस अर्जुन का तीर कमान, यही नहीं यहाँ पर ऊपर मछली भी है, तो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। हम आ चुके हैं नीचे, एंड तो यहाँ पर कम क्राउड है यार, व्हाट इज हैपनिंग। तो गाइस अभी मैं आके ये चीज़ें ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई मीन एंड लाइक काफ़ी सही है यार, मतलब एयर कंडीशन कर रखा है, एंड साथ ही बहुत सारे सामान है पीछे देख लो। एंड यह कुछ ज़्यादा ही स्पेशियस प्लेसमेंट है, स्पेस देख लो पीछे, ऐसा लग रहा है कि ना बड़े जो गाइस। चलो वहाँ कुछ रखा हुआ है, अब देख के आ रहे हैं। देखो गाइस हमें से देखने आ रहे हैं, और ये पानी लग रहा है, देखो पानी पानी है सिर्फ। गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा ही मेहनत और परिश्रम के बाद हो चुका है रजिस्ट्रेशन, एंड अब हम लोग जाने वाले हैं वार्डन से मिलने, एंड वहाँ पर जाने के बाद हम लवी का कमरा देखेंगे। कुछ दुख दुविधा हुई एडमिशन कराने में? नहीं कुछ नहीं हुई, कैमरे में देखो ना। हाँ नहीं हुई ना? नहीं। आपका एडमिशन कैसा गया? बहुत अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा गया, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। गाइज अभी एक सिंपल सी बात है, हम लोग को
यहाँ के वार्डन से मिलना है और फिर उसके बाद मैंने मतलब हमने जाना है और अब देखते हैं। ये बहुत खुश हो रखी क्योंकि इसे 5C मिल चुका है, यानी सेक्शन मिलने में इसको कितनी क्या खुशी हो रही है। क्योंकि सेक्शन में हमारे चेंज हो तो मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं दोबारा से सी सेक्शन जा रही गाइस इसे दौरा पड़ चुका है। तो अभी हम सब जा रहे हैं हॉस्टल वार्डन के पास। गाइस इनके बहुत ज्यादा रंगीन अंदाज है और अभी हम लोग को वार्डन हाउस में जाना है रिक्शे में बैठ के। जी गाइस हमारे रिक्शा आ रखे हैं। मैंने तुम्हें दिखाया था ना हमें फ्री बिस्कुट मिल रहे थे, दूसरा पैकेट है मेरा। हाँ यार लवी ने कहा मैं नहीं खा रही, मैंने कहा ठीक है मैं तेरे से खा लूँगा। इसलिए गाइस क्लासमेट भी पापा रिक्शे में फिट होना पड़ रहा है। तो अभी इन लोगों ने डिस्टेंस बताया 100 मीटर, हम लोग पैदल 3 किलोमीटर चल जाते हैं एक साथ ही। पापा ने कह दिया ठीक है 100 मीटर है तो क्या बात, मेरे को उतरवा दिया। बढ़िया चीज़ है दोस्तों, ये ऐसे बहुत क्लीन जगह है सच बताओ तो। पापा आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सही बात है। हमारे कुमाऊं की है, बढ़िया उसी के सेक्शन में है, और क्या चाहिए। वही तो हमारे दिल्ली जनकपुरी से ही आते हैं ये लोग। सही है फिर तो चलता बिहार बन गए फिर तो इसके दोस्त। दोस्ती तो चलो इनके नेचर पे है। हाँ वही भाई दबी दबी है ये थोड़ा वो थोड़ा ये एक्टिव है लोग ना कैसे है लोग होता है अपने अपने नीचे। हाँ। अरे भाई साहब ये क्या वार्डन हाउस ये हॉस्टल है उधर मैस होगा मैस या फिर ये होगा कि एक लड़कियों का एक लड़कों का ऐसा कुछ होगा। हाँ है एक लड़कियों का एक लड़कों सही कुछ होगा इसके पीछे होगा फिर मैस। गाइस लोग हमें सोचते हैं कि हम लोग मतलब चलने वाले नहीं है यार, हम बहुत चल जाते हैं ना। कौन सोचता है नीचे ऐसा कौन सोचता है, इतने पतले होते हैं सारे के सारे। हाँ वही तो अभी अभी फिर भी थोड़े सही है फिजिक। क्या रिक्शा नहीं नहीं पहुँच गए पीछे वालों को ले आओ। गाइस पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, कोई कह रहा है इधर है कोई कह रहा उधर है। अब फाइनली रिक्शा वाली आंटी आ चुकी है, उन्होंने बता दिया आके है, कोई बात नहीं गाइस आराम से पहुंच जाएंगे। भाई इतने पैसे खर्च होंगे इसे हुए होंगे इसे बनाने में, एकदम अपार्टमेंट सी है तो पूरी। ग्राउंड भी बढ़िया है यार, मेरे को बास्केटबॉल खेलने का मन था। उधर है एकदम कोने बास्केटबॉल का ग्राउंड। चल रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाइस, अभी हम विजिट कर रहे हैं ये जगह। अच्छा टॉयलेट सबका कम आएगा ठीक है गाइस। सब कुछ पता चल चुका है, पता नहीं मैं क्यों आ गया इधर, ये फिर भी देख लिया भाई सही है इनकी मतलब जो भी है। तो गाइस अभी ये सीन हुआ, लवी टॉय लेके बैठी हुई थी बैग में दवाई टॉफी वगैरह सब कुछ, और अब उसकी बैग की तलाशी हो रही है। मैं बना नहीं पाया उस समय का, उसके बैग से एक डमरू निकल गया और सेंडर फ्रूट भी निकली उसके बैग से। लवी अभी तलाशी पूरी हो चुकी है और हम जा रहे हैं लवण्या जोशी के कक्ष में। कैसे हो न्यू व्लॉगिंग स्टाइल दोस्तों, मुंह में कैमरा दे दो। बाय लवण्या जोशी।